गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंकित। मेरे साथ हैं सलमान, जिनका कि मैं आज यहां पर हेयर ग्राफ्टिंग करने जा रहा हूं। तो आप देखेंगे इसमें मैं आपको सारी स्टेप्स इसमें थोड़ा समझाऊंगा कि कैसे हेयर ट्रांसप्लांट होता है। तो सबसे पहले हम यहां पर एक हेयर लाइन बनाएंगे, जिसमें हम ये तय करेंगे कि हमें कितने बाल लगाने, किस तरह से लगाने और क्या इस पूरी चीज की प्लानिंग है, वो आप इस हेयर लाइन में देख सकेंगे। तो मैं अब सुन करने का इंजेक्शन देने लगा हूँ, जिससे कि ये हिस्से से हम हेयर ग्राफ्ट को निकाल सकें पीछे के हिस्से से। तो देखिए इस तरह से ये इंजेक्शन लगता है। इसमें ये बहुत ही फाइन नीडल होती है, जिसे हम इंसुलिन सिरिंज कहते हैं, और इसकी सहायता से लगाया जाता है। तो ये बिल्कुल सहन करने जितना होता है और पेशेंट इसमें काफ़ी कम्फर्टेबल रहते हैं। आसानी से 2 मिनट में बस ये हिस्सा सुन हो जाएगा, और उसके बाद कुछ भी पता नहीं चलेगा जब हम इन हेयर ग्राफ्ट को निकालेंगे। ये दर्द तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल। ओके जी, तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ये हिस्सा सुन कर दिया है और अब इनको कोई दर्द नहीं है। तो अब हम हेयर ग्राफ्ट निकालना शुरू करेंगे। किसी प्रकार का कोई दर्द? कोई दर्द नहीं हो रहा। तो ये जितने हेयर ग्राफ्ट्स प्लान किए थे निकल चुके हैं, आप देख रहे हैं इसमें हेयर ग्राफ्ट्स को। और आगे अब मैं इन्हें लगाने के लिए आगे के हिस्से को सुन करने जा रहा हूँ, और उसके बाद वहाँ पे स्लिट्स बनाई जाएंगी जिनके अंदर इन हेयर ग्राफ्ट्स को लगाया जाएगा। सलमान भाई, अब ये स्लिट्स बन चुके हैं और अब हम एक लंच ब्रेक करेंगे। लंच ब्रेक के बाद फिर हम इन निकाले हुए हेयर ग्राफ्ट्स को लगाएंगे। आप एक बार दिखाएंगे हेयर ग्राफ्ट्स को यहाँ पर? तो ये हमने जितने डिसाइड किए थे आपके प्लान के मुताबिक, तो ये हमने वो निकाल लिए हैं, और अब हम लंच ब्रेक के बाद इन्हें लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पर स्लिट्स दिख रहे हैं, आप इसमें स्लिट्स भी दिखा सकते हैं। स्लिट्स मतलब वो होल्स, छेद, जिसके अंदर की हेयर ग्राफ्ट्स को हम लगाएंगे। तो अब हम एक छोटा ब्रेक करते हैं और उसके बाद आगे का काम शुरू करते हैं। तो अब हम लौट आए हैं लंच करके, और जो हेयर ग्राफ्ट हमने निकाले थे अब हम एक एक करके उनको लगाना शुरू कर रहे हैं। तो ये आपने देखा इसमें इस तरह से कि एक एक करके किस तरह से बालों को लगाया जाता है, हेयर ग्राफ्ट्स को। सलमान, हमारा ये बाल लगाने का, हेयर ग्राफ्टिंग का प्रोसेस पूरा हो चुका है। जी सर। आपके वो जितने हमने हेयर ग्राफ्ट डिसाइड किए थे वो लग चुके हैं। तो आप मुझे बताएं कि आप ठीक हैं, कंफर्टेबल हैं? बिल्कुल कंफर्टेबल सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम एक छोटी सी ड्रेसिंग करेंगे और उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। अक्सर लोगों को ये डर होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होगा, कैसे होगा, मतलब बड़ा टेंशन रहता है कि बहुत दर्द होता होगा, सुई चुभती होगी, और तरह तरह की इसमें लोगों के बाद दिमाग में बातें होती हैं, भ्रांतियाँ होती हैं। तो ये चूंकि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, जैसे शाम आपने हमारे साथ बिताई है, तो क्या कहना है आपका इस पर? कहना चाहूँगा कि इसमें जो प्रोसेस डरते हैं, जैसे कि सुई चुभेगी या फिर दर्द होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नॉमिनल सर बस एनेस्थेसिया दिया, जो उस टाइम पर छोटा थोड़ा सा दर्द हुआ है, और बाकी उसके बाद कोई दर्द नहीं है। अभी तक सर्जरी के दौरान कोई दर्द नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक फील कर रहे हैं आप? बिल्कुल, फील गुड। ओके जी, धन्यवाद सलमान। हमारी शुभकामनाएं आपके अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे बालों के लिए। थैंक यू सर।